हेलो हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। वो है हाउ टू कैलकुलेट वाटर टैंक कैपेसिटी इन लीटर। सर्कुलर वाटर टैंक क्वांटिटी कैलकुलेशन को हम कैसे करते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है। जो वाटर टैंक होते हैं हमारे, सर्कुलर वाटर टैंक, ये जो गोलाकार टंकियाँ होती हैं, इनका हम कैसे पता करें कि इनमें कितने लीटर पानी है, इसका क्या फार्मूला होता है, तो उसके बारे में मैं आज आपको समझाने वाला हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप बने रहिए। आप देख सकते हैं मैंने ये वाटर टैंक का एक शेप बनाया है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो डाया लिया हूँ मैं, वो 1.2 मीटर का लिया हूँ। इसकी जो हाइट लिया हूँ वो 3 मीटर लिया हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें वाटर पूरा फिल है, हैं। तो इसका जो रेडियस होगा वो डाया का हाफ होता है, तो ये 600 mm आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप बने रहिए, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जो हम वाटर टंकियाँ अपने घरों में या कहीं 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 पर भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे भी यूज करते हैं टंकियों का, हैं, हर जगह टंकियों का यूज होता है। तो हम उनका उसमें कितना लीटर पानी आया है और कितने लीटर की हैं, तो उसको हम कैसे निकालते हैं एज पर फार्मूले के अनुसार, तो उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो आप बने रहिए। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला इन वाटर टैंक क्वांटिटी कैलकुलेशन का मैं ये फार्मूला है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 क्यूबिक मीटर। वाटर की क्या डेंसिटी होती है, हैं, तो वो 1 क्यूबिक मीटर में कितना लीटर होता है, वो होता है 1000 LTR, हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इस ये जो सूत्र है इसके डेंसिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और नहीं पता हो तो इसको देख लीजिए, आप पता करके रखें, इसको रट के रखें कि वाटर टैंक का जो 1 क्यूबिक मीटर में कितने लीटर होते हैं, वो 1000 लीटर होते हैं, और डेंसिटी तो वाटर की 1000 लीटर ही होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो वाटर टैंक का जब हमें डेंसिटी पता है, तो अब हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे कि इसमें कितना इस वॉल्यूम है, इसका सर्कुलर जो हमारा टंकी है इसका वॉल्यूम निकालेंगे हम, तब हमको इसको लीटर में हम कन्वर्सन करके फार्मूला लगा के इसको पता चल जाएगा हमको कि इतने लीटर पानी है डायमेंशन एज पर डायमेंशन के अनुसार। तो देखिए, हम वाटर टैंक का वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, तो वॉल्यूम बराबर होता है π/4 d² × h, या आप ये वाला भी लगा सकते हैं π² × h। ये दोनों वॉल्यूम के फार्मूले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप बने रहिए, मैं इसी के अनुसार देखो सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो π/4 d², d मतलब डाया हमको दिया है 1.2 मीटर, तो मैंने लगा दिया 1.2 मीटर का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, इंटू एच, हाइट हमको 3 मीटर दे रखी है तो 3 मीटर लगा दी मेरे प्यारे दोस्तों, हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो π/4 × स्क्वायर है तो 1.2 × 1.2 × 3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब पाई का मान हम यहाँ लगा देंगे, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, तो वो हमने लगा दिया, बटे में 4 है, 4 लगा दिया, इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.44 × 3 मीटर। अब हम मेरे प्यारे दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 13.564/4, हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये टोटल वाटर टैंक का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 3.391 m³, क्योंकि वॉल्यूम है तो m³ में ही आएगा। अब जब हमारे पास वॉल्यूम निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब हम इसको कन्वर्जन कर लेंगे इन लीटर में, क्योंकि हमको लीटर में कन्वर्जन कर लेंगे कैसे, क्योंकि वॉल्यूम हमको पता है कि 1 m³ बराबर होता है 1000 लीटर, तो हमारे पास इतने m³ हैं, ये m³ आ गया। तो लीटर में हम जब कन्वर्जन इन वॉल्यूम इन लीटर, तो लीटर बराबर हो जाए वाटर टैंक वॉल्यूम इंटू वाटर की डेंसिटी। और वाटर की डेंसिटी मैंने आपको पहले ही बता रखी थी कि 1 m³ में बराबर होता है 1000 लीटर होता है, तो वही लिख देंगे वाटर टैंक का वॉल्यूम, हमारे पास वाटर टैंक का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी वाटर की डेंसिटी,
वॉल्यूम हमारे पास है 3.391 इंटू डेंसिटी, हमको पता है 1000 होता है। तो हमारा ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3391.91 लीटर, मतलब ये 3391 लीटर पानी आ जाएगा इस सेव के टैंक में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस टॉपिक को मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने तो ये एग्जाम्पल आपको बताया है ना, और आप इसी एग्जाम्पल के अनुसार किसी भी साइज का टैंक हो, अपने सर्कुलर किसी भी साइज का टैंक हो, मैं आशा करता हूँ कि आप इस फार्मूले के जरिए उसका उसमें कितने लीटर पानी है उसको आप सॉल्व कर सकेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।